चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग अपडेट बताऊंगा। कौन कौन से स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, इस एक ही वीडियो में आपको सारे स्टेट की जानकारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है और उनकी लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम दिल्ली स्टेट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीसी के ऑल इंडिया और बाकी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर के लिए, इसके अलावा डिम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की च्वाइस फिलिंग की कल लास्ट डेट थी। अभी ये 5 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दिल्ली के आईपीयू की। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हुई है 4 नवंबर 2020 तक। इसके बाद च्वाइस फिलिंग स्टार्ट होंगी इसमें 7 नवंबर 2020 से और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 11 नवंबर 2020। इसके बाद में चंडीगढ़ की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ की बात करते हैं हम, तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 2 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट है 9 नवंबर 2020। इसके बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 3 नवंबर 2020 से और क्लोज हो जाएंगे 6 नवंबर 2020 तक। राजस्थान की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके 1 नवंबर 2020 से और लास्ट डेट है इसकी 6 नवंबर 2020। हरियाणा की बात करें तो इसका सीट मैट्रिक्स और फी स्ट्रक्चर आ चुका है, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। यूपी के रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर के नियर बाय स्टार्ट होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 4 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 10 नवंबर 2020। केरला की बात करें तो इसके फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं और नीट स्कोर अपडेट की लास्ट डेट है वो 4 नवंबर 2020 है। त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो एलिजिबिलिटी, स्टेट मेरिट और फी पब्लिश्ड हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तेलंगाना के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी लास्ट डेट 8 नवंबर 2020 है, यानी कि 8 नवंबर 2020 तक आप तेलंगाना के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। पौंडीचेरी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं 2 नवंबर 2020 को। एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट होगी 10 नवंबर 2020। गुजरात के रजिस्ट्रेशन भी 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी 9 नवंबर 2020 रहेगी। झारखंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी 6 नवंबर 2020 है। पंजाब के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं जिसकी लास्ट डेट 2 नवंबर 2020 थी। इसके अलावा बाकी स्टेट के, कर्नाटका, बिहार, इनके अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, न ही किसी प्रकार का अभी नोटिफिकेशन आया है इनकी वेबसाइट पर। तो इनके जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे बाकी स्टेट के, जैसे उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इनके जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों, ये हर एक स्टेट की काउंसलिंग अपडेट थी जो अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं उनकी थी और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुए उनकी। इन स्टेट के अलावा बाकी स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो बाकी अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेनी है आपको तो हमारी वेबसाइट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बुक में मैंने पूरी जानकारी दे दी है, कौन से स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से ओपन स्टेट हैं, इन सब के बारे में बुक में जानकारी दी गई है। इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।